भारत वर्ष के 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक 10 साल की बच्ची एमिली गोम्स का केस। एमिली के स्कूल से लौटने का वक्त हो गया है और वक्त की सुई अचानक भारी हो गई है। हेलो मैरी, डेविड। डेविड बोलो, तुमने डरा दिया मुझे। अरे 6:20 हो गए हैं, तुम अभी तक एमिली को पिक करने नहीं गई? अरे वो 6:25 का अलार्म लगाया था मैंने, मैं पहले ही फोन कर दिया। हाँ मुझे टेंशन हो गई थी, मुझे लगा अलार्म बजता रहेगा और तुम उठोगी नहीं। उसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। अच्छा ठीक है ठीक है, उठ गई हो तो जाओ जल्दी, एमिली की बस आती होगी। हाँ जा रही हूँ। मैरी तुम टाइम पर पहुंची ना? ओके ओके। बहुत जल्दी मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। मेरी कंपनी मुझे एक असाइनमेंट पर जॉर्डन भेज रही है। 1 महीना पहले डेपुटेशन हो चुकी है, अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है। मुझे ये फ्लाइट नहीं लेनी, मुझे इस असाइनमेंट पर नहीं जाना है। हे डेविड, जॉर्डन, सारे ब्रांचेस में से सिर्फ हम दोनों को सिलेक्ट किया गया है, तो गुड ना? हाँ मिला मुझे ईमेल। डेविड तू खुश नहीं? 6 महीने राजेश, पूरे 6 महीने फैमिली से दूर। अरे 6 महीने यूं निकल जाते हैं यार, और इतना बड़ा प्रेस्टिजियस ओवरसीज प्रोजेक्ट है। वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मैरी को छोड़कर ओवरसीज तो क्या पुणे तक नहीं जा सकता हूँ। वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। समझ रहा हूँ डेविड, लेकिन कंपनी तुम्हें बैकआउट नहीं करने देगी, तुम हमारे बेस्ट चीफ इंजीनियर हो। डेविड ये जॉर्डन वाला प्रोजेक्ट गल्फ रीजन में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए गेम चेंजर है। तुम्हें ना भेजना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ 6 महीनों की बात है, पर ये 6 महीने बहुत क्रूशल होंगे। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैरी के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन को भी 1 साल भी नहीं हुआ, वो मेरे बगैर 1 दिन भी मैनेज नहीं कर सकती है सर। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और मैरी को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद नहीं रहती हैं। डेविड अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें फैमिली के साथ जॉर्डन भेजता, पर यू नो ये पॉसिबल नहीं है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। एंडी वो खिलौना नहीं है, खाना है, खेलना बंद करो, खाना खाओ चुपचाप। पापा आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी का और एंडी का पूरा ख्याल रखूंगी। डेविड
तुम ना बहुत ज्यादा और बहुत दूर की सोच रहे हो। आई विल मैनेज यू, आई प्रॉमिस। प्लीज कोई टेंशन मत लो। एंड लिसन, तुम जानते हो ना ये ऑफर हम सबके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होगा। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस जाकर अपने बॉस से हाँ कह दो। पापा जाने से पहले ना मेरा स्टडी टेबल बनवा देना प्लीज। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, ऑफ कोर्स। जब मैं जॉर्डन में रहूंगा, यहां किसी दिन मैरी एंडी या एमिली को पिक करना भूल गई तो क्या होगा? अगर कुछ हो गया तो ये तीनों मेरी जिंदगी हैं, और मेरे यहां ना मौजूद होने के ख्याल से ही डर कुरेदने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो कुछ क्या है जिससे मैं डर रहा हूं वो मुझे नहीं पता, पर इस अनजान खौफ से इन्हें बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना होगा। और डेविड ने बिल्कुल वैसा ही किया। जिस कोने से उसे इस अनजान डर का आभास हुआ, उसने उन कोनों को सील कर दिया। उसने वो सारे इंतजाम कर दिए जिससे उसकी पत्नी मैरी को घर संभालने में सहूलियत हो। मैरी की भूलने की समस्या के लिए वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। डेविड कोई चांस नहीं लेना चाहता था। सुबह 11:30 बजे एंडी की बस आती है, शाम को 6:30 बजे एमिली की बस आती है। तुम्हें 6:25 पर हर हालत में बस स्टॉप पर पहुंच जाना है मैरी। अब बस भी करो डेविड, प्लीज मैं नहीं भूलूंगी। मैं जानता हूं डार्लिंग, लेकिन 1% चांस अगर तुम भूल गई तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम स्ट्रेस में आ जाओ याद करने की कोशिश में। स्ट्रेस में तो तुम हो डेविड। आई हैव एन आइडिया। अभी ये क्लॉक 15 मिनट आगे है मेरी, अगर तुम कभी लेट हो भी गई तब भी कुछ छूटेगा नहीं। और अगर मैं 15 की जगह 20 मिनट लेट हो गई तो 25-50 मिनट। सॉरी बाबा, जस्ट जोकिंग। तो मत करो ना ऐसे जोक्स, इट्स अ सीरियस मैटर। अगर तुम बस स्टॉप पर टाइम से नहीं पहुंची तो स्कूल बस एमिली को ड्रॉप नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा बाबा, प्लीज थोड़ा तो भरोसा करो मुझ पर। अब है ना, तुम सच में मुझे स्ट्रेस दे रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम स्ट्रेस मत लो प्लीज। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि कोई गड़बड़ ना हो। हम कोई चांस नहीं लेंगे। हाँ, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मिस्टर गोम्स, रूल्स आर रूल्स। अगर बस स्टॉप पे कोई पेरेंट नहीं होगा बच्चे को पिकअप करने के लिए, तो स्कूल उसे वहां अकेले छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये रूल हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया है। सिस्टर, मेरी एमिली 10 साल की है, वो बस स्टॉप से घर तक का रास्ता अच्छी तरह से जानती है और रास्ता सेफ है। आप तो जानती हैं कि एमिली की मॉम मेरी, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। प्लीज हमारे लिए रूल्स में थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए। और वैसे भी एमिली की क्लासमेट रोजी, वो हमारी बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है, वो तो ड्रॉप पॉइंट से घर रोज अकेले आती है। वो एक स्पेशल केस है मिस्टर गोम्स, रोजी के दोनों पेरेंट्स ऑफिस से घर लेट आते हैं। हमारा केस भी स्पेशल है सिस्टर, प्लीज हेल्प अस। ओके मिस्टर गोम्स, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए सारे रीजंस बताते हुए, और आप दोनों उस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मैंने क्लियर लिख दिया है कि अगर तुम बस स्टॉप पर टाइम पर नहीं पहुंची तो एमिली को ड्रॉप किया जाएगा और वहां से वो घर अपने आप आ जाएगी। लो साइन करो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम थोड़ा टू मच नहीं कर रहे हो? तुम तीनों के लिए टू मच तो क्या, उससे ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो वो भी करूंगा। तुम दुनिया हो मेरी, साइन इट। फिर वो दिन आया जो मैं नहीं चाहता था कि आए, मेरे जाने का दिन। सब थे घर पर। डेविड, yeah. टॉयलेटरीज पैक कर दी ना तुमने? ओह गॉड, मैं भूल गया। तुम्हें भी भूलने की आदत है। मैं लाती हूँ। थैंक यू।
मेरी अब आई मामा। सब थे घर पर, एमिली और एंडी अपने कजिन जिमी के साथ खेल रहे थे। डेविड एयरपोर्ट छोड़ दे तो। अरे नहीं नहीं मार्टिन, राजेश है ना मेरा कलीग, वो जा रहा है मेरे साथ। ओके हाँ, राजेश भी जॉर्डन जा रहा है, तुमने बताया था, करेक्ट। मार्टिन मैंने मैरी से कहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पहले तुम्हें फोन करे। यार डेविड ये भी कोई कहने की बात हुई, आखिर फैमिली किस लिए है? मार्टिन मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरी फैमिली सबसे ज्यादा करीब मार्टिन से हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी हुई मार्टिन होगा मदद के लिए। मैरी की बहन ओलिविया और उसका पति जॉन फर्नांडिस। हैप्पी जर्नी डेविड। थैंक यू जॉन। एंड डेविड मैरी एमिली एंडी की टेंशन मत लेना, मॉम रहेगी उनके साथ। थैंक्स थैंक्स ओलिविया। चलो चलो सब डिनर टाइम हो गया। एना रेबेलो मैरी और ओलिविया की माँ, मेरी सास, वो हमारे घर रहने वाली थी। मेरी गैर हाजिरी में मैरी की मदद कर। तुम ख्याल रखना अपना। तुम भी। अच्छा सुनो, बोर्ड करके और लैंड करने के बाद प्लीज मुझे फोन करना। करूंगा स्वीटहार्ट, मैंने कारपेंटर से बात कर ली है, वो मैक्सिमम एक वीक के अंदर तुम्हारा स्टडी टेबल रेडी कर देगा। नो प्रॉब्लम पापा, आप अच्छे से जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अब मैं आराम से जा सकता हूँ, जो मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। और एंडी, पापा को मिस करेगा? अज्ञात के डर, उस अनजाने खौफ ने मेरे जाने के 10 दिन बाद मुझ पर अटैक किया। एंडी बेटा भूख लगी है, कुछ खाओगे? नहीं नानी भूख नहीं है। अच्छा अभी देख कर आती हूँ।
वॉचमैन वो yes, ma'am. एमिली बिल्डिंग में आई नहीं तो क्या हुआ मैडम मेरी एमिली आई क्या नहीं मामा मैं तुमको अभी वही पूछने वाली थी नहीं मेरी एमिली यहां तो नहीं आई चला रोजी घर आई हाँ वो कब का आ गया क्यों एमिली घर नहीं पहुंचा एक मिनट प्लीज रोजी को बुला दो क्या हुआ आंटी बेटा वो एमिली तुम्हारे साथ बस से उतरी हाँ तो कहाँ गई वो मुझे नहीं पता वो अपने बिल्डिंग की तरफ गई और मैं अपने घर पे आ गई नहीं बेटा एमिली घर नहीं पहुंची अब तक मुझे नहीं पता मेरी आंटी बस में हमने सबको बाय बोला हम नीचे उतरे और चलने लगे फिर मैं मेरे घर पे आ गई और वो अपने बिल्डिंग की तरफ चली गई बाय रोजी तो एमिली गई कहाँ तू घर पे एक बार चेक करना एमिली पहुंच गया रे घर घर नहीं मेरी मामा है घर पर एमिली घर नहीं पहुंची अब तक मैंने वो सोसाइटी के वॉचमैन से भी चेक किया एमिली घर नहीं पहुंची है वो बिल्डिंग में ही नहीं आई देखो ऐसे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा मैं स्कूल जाकर चेक करता हूँ क्रिसी तुम मैरी को घर ले जाओ डरने की कोई जरूरत नहीं हमारी एमिली वापस मिल जाएगी मैं भी चलता हूँ चलो सब मेरी गलती है मैं अलार्म लगाना भूल गई मैं अलार्म लगाना भूल गई मैरी देखो शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा मार्टिन गए हैं ना एमिली को जरूर ले आएंगे चलो अंदर चलो रो मत बस कंडक्टर है पंकज राणे मेरी बात हुई उससे पंकज ने कहा कि एमिली अपने रोज के ड्रॉप पॉइंट पर उतरी थी लेकिन एमिली घर पर नहीं पहुंची सर आप एक बार प्लीज दूसरे बस वालों से पूछें हो सकता है गलती से कोई बस वाला उसे वापस स्कूल में लेकर आ गया वापस लाया होता तो सबसे पहले खबर मुझे होती देखिए सारी बसेस वापस आ गई है लेकिन एक भी बच्चा अभी तक रिटर्न नहीं आया और मेरे पास एमिली कहा है कि एमिली गोम्स को उसके ड्रॉप पॉइंट पर अकेले उतरने दिया जाए हाँ हाँ मैं बिल्डिंग के फ्लैट चेक करती हूँ जब तुम आओगे ना तो बाकी की बिल्डिंग्स चेक करना ठीक है मार्टिन और डेविड का दोस्त सचिन दोनों स्कूल गए हैं लेकिन एमिली वहाँ भी नहीं है मामा अपने एक फ्रेंड के घर खेलने गई होगी वो पता नहीं ओलिविया मेरी ने उसकी क्लासमेट रोजी के घर भी चेक किया वो वहाँ भी नहीं थी रोजी ने कहा कि वो हमारी सोसाइटी की तरफ गई थी लेकिन वॉचमैन कहता है कि वो हमारी सोसाइटी के अंदर आई ही नहीं पता नहीं कहाँ गई होगी मेरी बच्ची मैं बाद में कॉल करती हूँ मामा जॉन है शायद दरवाजे पे क्या हुआ जॉन एमिली मिसिंग है मिसिंग मतलब स्कूल से निकली पर घर नहीं पहुंची और किसी को कहीं मिल नहीं रही है बाबा एमिली को क्या हुआ पता नहीं बेटा एमिली खो गई पर हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे पिकअप करने क्यों नहीं गई पता नहीं जॉन मामा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सोती रह गई इसलिए लेट हो गई जब एक बच्चा घर नहीं लौटता तो घर वालों की सारी कायनात सर के बल उलट जाती है
डेविड और मैरी गोम्स के सारे रिश्तेदार मिलकर एमिली की खोज में लग गए। उन्होंने उन सभी जगहों पर ढूंढा जहां उन्हें लगा कि एमिली जा सकती थी, लेकिन 10 वर्षीय एमिली कहीं नहीं मिली। एमिली मिसिंग हो गई थी, गायब। मुंबई में बज रहे होंगे 9:15। 15 मिनट बाद फोन करूंगा घर, रोज की तरह। आई एम श्योर एमिली, एंडी और मैरी 9:30 बजने का वेट कर रहे होंगे। वैसे एमिली बहुत खुश है, उसका स्टडी टेबल आ गया ना, इसलिए वाह फोटोग्राफ भेजने वाली है। मेरी बच्ची अब तक घर नहीं आई, वो 10 साल की है, जरूर कुछ गलत हुआ है। हमने सोसाइटी के सारे फ्लैट में चेक किया सर, पास वाली बिल्डिंग जहाँ एमिली की दोस्त रोजी रहती है वहाँ भी चेक किया, एमिली कहीं नहीं मिली सर। सर हम उसके स्कूल भी गए थे, वो वहाँ भी नहीं है सर। किसी पर शक? क्या आपकी फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो, या आपका या आपके मिस्टर का किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या ऐसा कोई हो जो आप पर का गुस्सा आपकी बच्ची पर उतार सकता है? किसी पर कोई शक? सर मेरा भाई डेविड सीधा आदमी है, इंजीनियर है, उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? जॉर्डन में, 10 दिन पहले कंपनी के असाइनमेंट पे गया है। रंजना, रंजना कौन है ये? रंजना नीड, रंजना हाँ वो हमारे घर में काम करती थी। वो अभी भी आपके घर में काम करती है? सर वो प्रॉब्लम जब हुई थी तो डेविड ने खुद सोसाइटी ऑफिस में आके खबर दी थी, वो अब रेगुलर नहीं है सर। ये रंजना है कौन, प्रॉब्लम क्या हुई? सर तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैरी का ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, उस वक्त उसे काम पे रखा था, उस वक्त उसने कुछ ज्वेलरी चुराई थी मैरी की और मैरी के मदर एना की। और कौन डेविड? मैंने उस रंजना को कितनी बार वार्न किया है कि इधर उधर ताका झांका मत कर, मैं 100% श्योर हूँ उसी ने मेरी ज्वेलरी चुराई है। ठीक है मामा, कल जब वो आएगी तो आप दोनों उससे कोई बात मत करना, पहले मैं पूछूंगा उससे। ये क्या फालतू इल्जाम लगा रहे हैं साहब, चोरी वोरी करती तो आप लोगों के जैसा फ्लैट में रहती, झोपड़पट्टी में नहीं रहती। गरीब हूँ साहब, पर हमारी भी कोई इज्जत है। जानता हूँ तुम गरीब हो, जानता हूँ तुम्हारी इज्जत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये जेवर तुम्ही ने चुराए हैं रंजना, और ये चोरी तुमने इसलिए की है क्योंकि तुम गरीब रहना नहीं चाहती। लेकिन मैं ये चाहता हूँ रंजना कि तुम्हारी इज्जत के साथ कुछ ना हो। पुलिस के पास जाएंगे तो वो बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे तुम्हारे साथ, बेइज्जती तो होगी ही, साथ में पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ रंजना, ये ज्वेलरी तुम लौटाओगी या पुलिस के पास जाकर निकलवाएं तुमसे? तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है रंजना, तुम्हारा जो भी हिसाब बनता है मुझे बता दो, मैं सारे पैसे क्लियर कर दूंगा। और हाँ, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, इस सोसाइटी में भी कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं। इस रंजना का मोबाइल नंबर है आपके पास? नहीं, नहीं। आप में से किसी के पास? वो डेविड उसे किसी एजेंसी के थ्रू लाया था। हेलो डेविड, जॉन बात कर रहा हूँ मैं। हे जॉन, व्हाट अ सरप्राइज, तुम और ओलिविया घर आए हो क्या? हाँ, हम मैरी के साथ ही हैं। अच्छा सुनो ना, वो जो एक मेड रखी थी तुम्हें याद है 1 साल भर पहले, रंजना, उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? रंजना का नंबर तो नहीं है मेरे पास, अरे इनफैक्ट उसे तो मैंने किसी एजेंसी के थ्रू हायर किया था, लेकिन उसका नंबर क्यों चाहिए? मैरी कहाँ है?
जॉन घर पे सब ठीक है ना? डेविड हमें रंजना का नंबर चाहिए। अरे लेकिन क्यों चाहिए नंबर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। घर पे सब ठीक है ना जॉन? तुम मैरी को फोन दो। वो एक्चुअली क्या एक्चुअली? तुम मेरी मैरी से बात कराओ ना प्लीज। जॉन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैरी कहाँ है? सब ठीक है ना? एमिली, एंडी, डेविड, सचिन। सचिन क्या हो, क्या रहा है? तुम मेरी मैरी से बात कराओ प्लीज। डेविड थोड़ा शांति से सुन यार। देख यहाँ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मैरी से मेरी कोई बात क्यों नहीं करवा रहा है? कुछ हो गया है यार यहाँ। मैरी ठीक है? हाँ मैरी तो ठीक है, लेकिन डेविड। डेविड क्या हुआ? डेविड क्या हुआ वहां पे? एमिली, क्या हुआ एमिली को? क्या हुआ? पटना की इस कॉलोनी का एक भी फ्लैट छूटना नहीं चाहिए। आसपास की हर एक दुकान में इंक्वायरी करो, हर शिफ्ट के हर वॉचमैन से पूछो, पेपर वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, नौकर, ड्राइवर सबको बुलाओ सर। और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप ताबड़तोड़ बनाओ, अपने सारे आदमियों को उस पर ऐड करो, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर अपलोड करो। सर अभी बनाता हूँ। 10 साल की बच्ची, रात के 10 बजने आ रहे हैं, ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। पटनायक मुझे किसी भी सूरत में वो बच्ची सही सलामत चाहिए। सर मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं सोसाइटी में सबको जानता हूँ सर। ठीक है चलो। साहब मैंने ही गोम्स मैडम से कहा था कि मैंने एमिली को अंदर आते नहीं देखा। यस सर, मैरी आई थी एमिली के बारे में पूछने के लिए, तो रोजी उसको बोला कि वो और एमिली साथ ही बस से उतरे थे। यस अंकल, मैं और एमिली साथ में बस से उतरे थे। हमने एक दूसरे को बाय किया, एमिली अपने बिल्डिंग की तरफ चली गई और मैं अपने घर पर आ गई। साहब सोसाइटी वालों ने मेरी ड्यूटी यहीं लगाई हुई है, मैं यहीं से पहरा देता हूँ। जगह कब कब छोड़ते हो टॉयलेट के अलावा? जब कभी पार्किंग की दिक्कत हो या फिर कोई आवाज़ देके मुझे बुलाए, लेकिन अपना काम खत्म करके मैं यहीं आ जाता हूँ सर। ये लड़की तो रोज दिखती है, बगल वाली सोसाइटी में रहती है, याशिका कॉम्प्लेक्स में। आज दिखी थी? हाँ साहब, शाम को स्कूल से लौट रही थी तब देखा था, इसके साथ एक और लड़की थी। तुमने से सोसाइटी के गेट के अंदर जाते देखा? अब इतने ध्यान से तो नहीं देखा, रोज जाती है तो वहीं गई होगी। ओके नंबर दो मुझे। हाँ 444-6757-87 रंजना। ओके थैंक्स। कल सुबह की पहली फ्लाइट है 8 बजे की, दुबई की, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। सर सोसाइटी में जितने लोग हैं सभी से बात की है, एमिली के स्कूल फ्रेंड से बात की जो उस समय बस में थे, सभी कह रहे हैं कि रोजी और एमिली एक साथ बस से उतरी और चलकर सोसाइटी की तरफ गई। इसी वाले ने भी देखा था सर। यहाँ पर सिर्फ इसी एक सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है, मुझे इसकी फुटेज चाहिए। सर एजेंसी से हमें उस रंजना का नंबर मिला है।
एक 10 साल की बच्ची गुमशुदा हुई थी और उसी रात को पुलिस ने उस एरिया से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सर्विलेंस लगा दी। जोन के हर पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन रात भर चला और एमिली का परिवार एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। निराशा और डर सांसों को कसने लगा। एमिली की खबर के लिए सबके सब तड़प रहे थे। एक बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती थी? क्या उसका अपहरण हुआ था? स्कूल से घर लौटते वक्त एमिली कहां, कैसे और क्यों गायब हुई, इस खौफनाक वाकयात का पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था। पापा, ये न्यू स्टडी टेबल तो बहुत ही अच्छा है। आई लव इट। थैंक यू पापा। रियली स्वीटहार्ट? हाँ पापा, अभी अभी आया है। वेरी गुड। और तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज अच्छी चल रही है पापा। बस मम्मा, मैं एंडी आपको बहुत मिस करते हैं। अरे मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। सुबह से शाम तक वेट करता हूँ कि कब तुम लोगों से बात होगी। मुझे दो ना, मुझे दो। एक मिनट एंडी। पापा, एंडी आपसे कुछ कहना चाहता है। हेलो पापा। हाय पापा, आई लव यू। मी टू बाबू, मी टू। सर, यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि एमिली और रोजी इस लेन से अपनी अपनी सोसाइटी की तरफ गए। हाँ, लेकिन एमिली सोसाइटी के अंदर नहीं गई। वॉचमैन कहते गए वो एंटर नहीं हुई। और उसके जो क्लासमेट थी? रोजी सर। हाँ रोजी, रोजी ने भी उसको उसकी सोसाइटी में जाते नहीं देखा। जी हाँ सर, रोजी ने हमसे कहा कि एमिली ने उसे बाय कहा और अपनी सोसाइटी की तरफ चलने लगी। चलो बाय एमिली, बाय रोजी। अजीब है थोड़ा सा, बच्ची रोज की तरह उस लेन से अपनी सोसाइटी की तरफ जाती है लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं जाती। ये जाती भी है तो वॉचमैन कहता है कि वो एंटर नहीं हुई। वॉचमैन को काफ़ी थोड़ा सा बोला नहीं आई थी। उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, एकदम क्लीन है। और वो नौकरानी रंजना? सर मुझे नहीं लगता वो इन्वॉल्व है। नहीं साहब, झूठ नहीं बोलूंगी साहब। मैंने उस घर में चोरी की थी साहब, पकड़ी गई, फिर उसके बाद वो सोसाइटी के आजूबाजू कभी नहीं गई। बच्ची के साथ क्या किया रंजना? मुझे मालूम नहीं साहब। तेरी चोरी पकड़ी जाने के बाद अगर तुझे हमारे पास लाया जाता तो तुझे हमारी दवाई का सैंपल मिलता। और याद रख, हमारी दवाई बहुत कड़वी है। जिसके बोलो उसके शपथ खाने को तैयार हूँ साहब। मैं तो एक साल से याशी के कॉम्प्लेक्स में गई ही नहीं हूँ। मैं तो कल पूरी शाम दूसरे घर में काम कर रही थी। मेहमान थे साहब, इसके लिए देर तक रुकने को कहा था। उस घर का पता दे। सर हमने उस घर में पूछताछ की, रंजना रात तक उसी घर में थी, वो इन्वॉल्व नहीं है। घर में एक नया स्टडी टेबल आया है, वो कारपेंटर का डिलीवरी बॉय, उसकी क्या रिपोर्ट? दोनों क्लीन है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्राइम के दिन दोनों काम पर थे। कुछ तो है जिससे इस वक्त हम अनजान हैं, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। आई थिंक उसे कोई जान पहचान वाला मिल गया हो जो उसे वहां से ले गया हो। किडनैप? यस सर, किडनैप। नानी, एमिली कहाँ है? बेटा वो बाहर गई है, आ जाएगी। प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत करो मेरी, कुछ खा लो। कुछ नहीं खाना मुझे, जब तक मेरी एमिली नहीं मिलती कुछ नहीं खाना मुझे। देखो डेविड आ रहा है, तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसे, क्या बोलूंगी उसको, कितना
कुछ किया था उसने मुझे याद दिलाने के लिए कि फैमिली को टाइम से लेना। मैं बस सोती रह गई। मैं कैसे बोल गई? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ मैरी। बिलीव मी, हम सब प्रे कर रहे हैं एमिली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मेरी बच्ची? कहाँ मिलेगी? कौन ले गया उसे? कैसी दुश्मनी है मेरी छोटी सी बच्ची से? कैसी दुश्मनी है? या थैंक्स। डेविड की फ्लाइट 3:30 बजे लैंड हो रही है। ठीक है, मैं जाता हूँ उसे लेने। आप यहाँ पे मैरी और ओलिविया के साथ रुकिए। मैरी की हालत बहुत खराब है। पता नहीं डेविड किस हालत में होगा, जाते वो कितना टेंशन में था वो। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई एमिली को किडनैप क्यों करेगा? और अगर करता भी तो कोई रैंसम कॉल्स तो आने चाहिए ना। सर, ये अस्त्री वाले की दुकान है, इसने उन दोनों बच्चियों को इस तरफ जाते हुए देखा था। रोजी ने एमिली को यहीं से गुड बाय किया, उसके बिल्डिंग के पास से। ये रही उसकी बिल्डिंग, और यहां से एमिली अपने बिल्डिंग की तरफ गई। कम एमिली बिल्डिंग तक आई तो जरूर, लेकिन बिल्डिंग में दाखिल नहीं। राइट सर, वॉचमैन ने तो नहीं देखा। वहां कुछ दुकानें हैं, अगर एमिली को सोसाइटी के गेट पर आने से पहले किसी ने उठा लिया होता वो चिल्लाती जरूर, और अगर वो चिल्लाती तो यहां कोई ना कोई सुन ही लेता है। हो सकता है वो गेट के अंदर जाने के बजाय यहां इस रास्ते पर आई हो, ये लाई गई हो, या यहां से कहीं और चली गई हो, ले जाई गई हो। सर, शायद यहां इस रास्ते पे कोई गाड़ी खड़ी हो जिसमें उसको ले जाया गया हो। इस एरिया के जितने भी ट्रैफिक जंक्शन है वहां के कल रात के सबके सीसीटीवी फुटेजेस मंगाओ, अगर वो किसी गाड़ी में है तो हम उसे स्पॉट कर पाएंगे। सर, जल्द से जल्द सारा फुटेज अवेलेबल हो जाए। सर, कांस्टेबल रेखा पटवर्धन एमिली के स्कूल गई थी उसका बैकग्राउंड चेक करने, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो इस बात को सजेस्ट करे कि वो बच्ची अपने आप से कहीं चली गई। एक 10 साल की बच्ची अगर इमोशनली डिस्टर्ब भी हो तो भी अपने आप कहीं चले जाए चांस ही नहीं है, और वो भी ओवरनाइट, इम्पॉसिबल। ऐसा भी तो हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। सर, गोम्स परिवार के रिश्तेदार हैं कुछ, मैरी की बहन ओलिविया, उसका हस्बैंड जॉन, मैरी की माँ एना, डेविड का बड़ा भाई मार्टिन और उसकी पत्नी ग्रेसी, ये सभी लोग इस वक्त गोम्स परिवार के साथ उनके घर में हैं। तो फिर एमिली किसके घर गई होगी? सर, दरअसल घर लौटते वक्त एमिली काफ़ी अच्छे मूड में थी, उसकी स्कूल फ्रेंड रोजी से मेरी बात हुई इस बारे में। क्या एमिली किसी बात को लेकर परेशान थी या चुपचाप सी थी? नहीं अंकल, एमिली तो बहुत हैप्पी थी। रोज की तरह थी, कुछ अलग सी नहीं थी। एक काम करो, एक और टीम तैयार करो, यहाँ पर इस रास्ते पर जितने भी दुकानें हैं, कॉलोनीज है, सबसे पूछो कि किसी ने एमिली को देखा है, क्या वो किसी के साथ थी, अगर वो किसी के साथ थी तो वो कौन था। पटनायक सर, मेरी बात शेख से करवाओ। यस सर। हाँ, सामने वाला रास्ता, यहाँ पर बिल्डिंग्स और बंगलोज है, सब कुछ कवर करना है। हेलो सर। जॉन, कुछ खबर मिली? मिलेगी। ये डेविड गोम्स कब लैंड हो रहे हैं? 3:30 बजे, मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने। आते ही उन्हें मेरे ऑफिस ले आना, बाद में घर आ सकते। श्योर।
रात से सब लोग एमिली को ढूंढ रहे हैं। घर जाने से पहले डीसीपी से मिलना होगा, वो राह देख रहे तुम्हारी। अपने ओवरसीज डेपुटेशन से काफी दुखी थे तुम, तुम्हारे ऑफिस से पता चला। मैं अपनी फैमिली को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था सर। मेरी वाइफ मेरी ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन से फुली रिकवर नहीं हो पाई। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सोसाइटी के गेट की तरफ आ रही थी, बीच में उसे कोई मिला, वो उसके साथ चली गई। अगर वो कोई अजनबी था, अनजान था, तो एमिली चिल्ला थी। तो आप ये कह रहे हैं सर कि मैंने खुद अपनी बेटी एमिली की किडनैपिंग करवाई है ताकि मेरी कंपनी मुझे जॉर्डन से वापस मुंबई भेज दे। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं डेविड गोम्स। आपने ऐसा पूछा क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहां मेरी सोच, मेरा दिमाग सब सुन पड़ गया सर। मेरी बेटी एमिली सर मेरी जान है, वो गायब हुई है सर। वही हुआ जिसका डर था। तो तुम्हें डर था कि एमिली को कोई किडनैप करेगा, लेकिन ऐसा डर क्यों था? पता नहीं सर, एक अनजान सा अज्ञात सा डर था सर कि कुछ बुरा होने वाला है। और देखिए हो गया। कोई मेरी बेटी की किडनैपिंग क्यों करेगा सर? क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके? मैरी, डेविड, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है डेविड। तो देख, मेरी नहीं, अपने आप को ब्लेम मत करो प्लीज। संभालो अपने आप को, एमिली मिल जाएगी। हम मिलकर ढूंढेंगे ना उसको, मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम प्रे करो, प्रे करो कि वो जल्दी मिले। एमिली को गायब हुए दो दिन हो गए थे। पुलिस द्वारा लार्ज स्केल मैनहंट के बावजूद एमिली के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। वक्त की सुई बढ़ती जा रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। अलग अलग पुलिस टीम्स अलग अलग एंगल्स पर काम कर रही थी, लेकिन कोई लीड दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मुझे सीरियसली लगता है ये कोई इनसाइड जॉब है। ये बच्ची तो सिर्फ 10 साल की है, लेकिन सर फैमिली का कहना है कि बच्ची बहुत स्मार्ट है। पापा, बिना आईपीस से देखे मैं ना ही मम्मा को और नानी को दरवाजा खोलने दूंगी। अगर मम्मा स्कूल बस स्टॉप पर लेट हो गई तो मैं सीधा सीधा बिना डरे अकेले आ जाऊंगी, और अगर कोई स्ट्रेंजर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, बचाओ, हेल्प। अब मैं आराम से जा सकता हूँ। सर, एमिली के पेरेंट्स का कहना है कि एमिली टीवी पर क्राइम शोज बहुत देखती है। तब तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई अज्ञात आदमी या औरत एमिली का अपहरण कर सके। अगर कोई जोर जबरदस्ती करता तो वो चिल्लाती जरूर। राइट सर। मेरी, अब मुझे और जॉन को घर जाना होगा, पर कल सुबह हम जल्दी आ जाएंगे। ओके, इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू जॉन। एम्बैरस मत करो डेविड, कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा, हम सब लोग मिलके हमारी एमिली को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? जब बाहरी दुनिया में पुलिस को इस केस का एक भी सुराग नहीं मिला, तब उनका शक घर के अंदर की दुनिया में बढ़ता गया। पुलिस को अभी तक किसी एक शख्स पर शक नहीं हो रहा था, और ना ही कोई ठोस कारण सामने आ रहा था। बस आ रही थी तो एक अजीब सी गट फीलिंग, एक अंदरूनी फीलिंग कि ये इनसाइड जॉब है, और पहला बड़ा ब्रेक थ्रू भी इसी दिशा में था। हाँ सर, बच्चे का नाम आशीष है, आशीष पिंटो। ये एमिली की बिल्डिंग के सामने वाले रास्ते की एक बिल्डिंग में रहता है। क्या कह रहा है, एमिली को देखा था उसने? हो साहब। उसे यहाँ ले आओ। हो साहब। क्या ये थी? हाँ, यही थी। तब तो तुमने इसे इस यूनिफॉर्म में देखा होगा, है ना बेटा? यस सर, जीनियस पर्ल स्कूल का यूनिफॉर्म है। हमारी बिल्डिंग से एक लड़का भी वहीं पढ़ता है। तुमने और क्या देखा, बता सकते हो?
सर मैं अपनी साइकिल चला रहा था। अच्छा वो आदमी जिसके साथ एमिली बात कर रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? उसे नहीं जानता। आशीष बेटा आप बता रहे थे कि उस आदमी से ये बहुत आराम से बात कर रही थी, है ना? स्माइल भी कर रही थी। फिर वो दोनों कार में बैठे और चले गए। कार का कलर क्या था बेटा? शायद ब्लैक। आशीष बेटा वो जो कार थी छोटी कार थी या फिर बड़ी कार थी? मतलब डिक्की वाली बड़ी गाड़ी थी या अटैच डिक्की वाली छोटी गाड़ी थी? छोटी वाली सर। ब्लैक कलर की हैचबैक कार? हाँ ब्लैक हैचबैक। क्या आपके सर्कल में किसी के पास ब्लैक हैचबैक कार है? किसी ने एमिली को ब्लैक हैचबैक कार में जाते हुए देखा है। शायद वो आदमी एमिली को पहचानता था, नॉर्मल सी बात हो रही थी। सर अभी इमीडिएटली तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसके पास ब्लैक हैचबैक कार है। जरा दिमाग पर जोर लगाए मिस्टर गोम्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। क्या कह रहे हैं? किसी ने एमिली को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था सामने वाली सड़क पे, फिर वो उसे एक ब्लैक हैचबैक कार में लेकर कहीं चला गया। कौन था? नहीं पता मेरी, सिर्फ इतना मालूम है कि एक ब्लैक कलर की कार थी। ब्लैक हैचबैक कार, ब्लैक हैचबैक कार। किसकी हो सकती है ब्लैक हैचबैक कार? लीड छोटी सी है पर मजबूत है। सर एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज से सारी ब्लैक हैचबैक कार्स अलग करना शुरू करते हैं। हैचबैक से नहीं, सारे सेडान को भी आइसोलेट करते हैं। क्या पता आशीष ने गलत आइडेंटिफाई किया हो। सर राइट सर। सुराग की रस्सी पतली सी थी लेकिन थी मजबूत। एक बात स्पष्ट थी कि एमिली किसी जान पहचान वाले आदमी के साथ बात कर रही थी, नॉर्मल रेगुलर बातें हो रही थी, और फिर वो इस आदमी के साथ अपनी मर्जी से गई। एमिली गई तो गई कहां, लौटी क्यों नहीं, और कौन था वो आदमी? एमिली के पिता डेविड को एक अज्ञात अनजान सा डर था कि कुछ गलत हो सकता है, शायद कोई चूक हो सकती है। इस केस में गुनहगार कोई अजनबी नहीं था, यह खतरा अनजान नहीं था, ये काम किसी जान पहचान वाले ने ही किया था, कोई करीबी इंसान। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि एमिली किसी अजनबी से बात तक नहीं करती। वो काफी स्मार्ट और सुलझी हुई बच्ची थी, लेकिन कोई जान पहचान वाला उसके लिए घात लगाकर बैठा था और ऐन मौके पर उस पर झपट कर उसे अगवा कर लिया गया था। एमिली गोम्स के मिसिंग केस की असलियत क्या थी ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, ये तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।